पूनम मदान। काफ़ी लोग मुझे वैसे पूनम के मदान से जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आपका जो आजकल आइडेंटिटी बना देता है वो आपकी आइडेंटिटी हो जाती है। सो इट्स पूनम के मदान, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल रिकग्नाइज मी विद पूनम के मदान, बट आई एम डॉक्टर पूनम मदान। और आई ऑलवेज से दैट आई एम एन अकेडमिशियन बाय एजुकेशन, अ बिजनेस वुमेन बाय चॉइस, एंड अ सोशल इन्फ्लुएंसर बाय पैशन। तो दीज आर द थ्री कैटेगरीज जिससे मुझे जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरी अस्तित्व की कहानी हम लिखते हैं या जो मुझे रिकग्निशन दिलाती है। सिंपल कहानी है एक वुमेन की जो एंटरप्रेन्योर बनी। मेरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी की बात करें तो एंटरप्रेन्योरल जर्नी मेरी की शुरुआत हुई थी 2008 में, जब मैंने प्रिस्टीन ग्लोबल हेल्थ केयर को क्रिएट किया। एंड आई एम द ओनर एंड फाउंडर ऑफ प्रिस्टीन ग्लोबल हेल्थ केयर, विच इज़ अ फार्मा कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी। वी डील इन टू OTC प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। हमारी कंपनी औरों से डिफरेंट कैसी है, क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड कराते हैं वो रूरल एरियाज़ में कराते हैं। जनरली वी ट्राई टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू पीपल हु आर वेयर मेडिसिनल सर्विसेज आर नॉट देयर। अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, चेंबर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, जितना भी रूरल इंटीरियर एरिया है, तो हम लोग जयपुर से जाके हमारे चेंबर्स में डॉक्टर्स को वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जयपुर से हमारी एक मुहिम होती है कि हम अपनी गाड़ी में डॉक्टर्स को लेके जाते हैं, वहाँ चेंबर्स में डॉक्टर सर्विसेज अपनी रेंडर करते हैं उन एरियाज में ही जहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। प्लस हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे ब्रांड्स हैं, हमारे लेबल्स हैं जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं। और कोशिश है कि जयपुर की जयपुर को हम पैन इंडिया लेके जाएं अपनी कंपनी के साथ, और उसका एक प्रेजेंस ऑल इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्रिएट करें। ये तो हुई एंटरप्रेन्योरल जर्नी की बात, कि मैं फार्मा की बात करें। एक शुरुआत की बात करते हैं, ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई। हर ज़िंदगी की शुरुआत उसके जन्म से होती है। तो आई टुक बर्थ एज द एल्डेस्ट ऑफ फोर डॉटर्स इन अ वेरी मॉडेस्ट फैमिली। एक साधारण से परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। मेरे पापा बैंक मैनेजर रहे, मेरी मम्मी हाउसवाइफ रही। वी आर फोर सिस्टर्स, आई एम एल्डेस्ट ऑफ देम। अकेडमिक्स हमेशा से स्ट्रांग था, बोर्ड रैंकिंग रही। हमारे वाले साल में ऐसा हुआ था कि 11th भी बोर्ड थे, उसके बाद फिर 12th बोर्ड्स आने शुरू हुए थे। सो आई हैड 10th, 11th, 12th ऑल थ्री बोर्ड्स, एंड आई वॉज बोर्ड रैंक होल्डर, टॉपर, मैरिट रैंकर जिसको बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, वैसा वाला अकेडमिक इंक्लिनेशन था। एंड आई वॉज वेरी गुड एट अकेडमिक्स, बट बींग एल्डेस्ट ऑफ फोर सिस्टर, देर वॉज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई फादर कि चार बेटियाँ हैं, शादी कर दो। तो 12th के बाद मेरी शादी हो गई। तो मेरे 12th की अभी आई थिंक रिजल्ट भी नहीं आए थे, एंड आई गॉट एंगेज एंड आई गॉट मैरिड दैट अर्ली। बट बिकॉज अकेडमिक इंक्लिनेशन था, तो इन लॉज का हस्बैंड्स को बोला मैंने कि भाई मेरा तो आई वॉन्ट टू परस्यू माई एजुकेशन इवन आफ्टर माई मैरिज, बिकॉज आई कॉन्ट जस्ट बी अ 12th पास, बिकॉज द काइंड ऑफ अकेडमिक इंक्लिनेशन आई हैव टू गो ऑन विद द जर्नी। एंड माई फैमिली वॉज क्वाइट सपोर्टिव, माई मदर इन लॉ, माई हस्बैंड, दे सेड ओके गो अहेड यू वॉन्ट टू। सो आई डिड माई ग्रेजुएशन, मीनवाइल आई हैड बोथ माई किड्स, मेरे दोनों बेटे हुए। उसके बाद थोड़ा सा गैप भी आया, बट क्योंकि वो अकेडमिक परस्यू था, फिर MBA किया मैंने। आई डिड अ फुल टाइम MBA, और आई स्टिल रिमेंबर आई यूज़ टू ड्रॉप माई सन टू हिज स्कूल। वो जयश्री परिवाल के स्कूल में जाता था, और मैं अपनी क्लासेस अटेंड करती थी जितनी देर वो स्कूल में होता था, फिर मैं उसको लेके आती थी। बस उतना ही क्लास, बस यही था कि भाई इतना ही टाइम आप कॉलेज में जा सकते हो जितना देर आपका बच्चा स्कूल में है। बट ठीक है, द सपोर्ट वॉज देयर, आई कुड डू माई फुल टाइम MBA। एंड देन आई, बिकॉज अभी वो क्या बोले कि एजुकेशन इतना कोर था कि कभी उसको रोकने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने पोदार में PhD में एनरोल किया, मैंने मैनेजमेंट एजुकेशन में PhD करी। अब इतनी पढ़ाई होते होते बच्चे भी स्कूल्स में सेटल हो गए थे। ऑल्दो आई एम मैरिड टू अ बिजनेस क्लास फैमिली, पंजाबी फैमिली है, चाहो तो ऐश करो, किटीज पार्टीज करो, कोई ज़रूरत नहीं थी बहुत कुछ सोचने की करने की। यू नो, ड्रेस अप, पार्टी हार्ड, एंड दैट्स द लाइफ। बट यू हैड सम मोर थिंग्स इन यू, यू वॉन्टेड टू यू नो प्लान, यू नो कुछ अच्छा करना था, कुछ डिफरेंट करना था। फिर लगा कि चलो एजुकेशन अब इतना पढ़ लिया है, तो एजुकेशन, अगर एजुकेशन को एजुकेशन के लिए नहीं यूज़ किया तो क्या किया। तो बेटर है कि आप, यू आर एजुकेटेड नाउ, यू आर PhD ऑल्सो, यू हैव डन योर एजुकेशन,
तो आप इसी में कुछ अपना करियर देख लो या इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर दो, एटलीस्ट एजुकेट अदर पीपल, अदरवाइज योर एजुकेशन विल गो वेस्ट. सो आई स्टार्टेड विजिटिंग वेरियस MBA इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम पोदार टू एपेक्स जयपुर में, जो भी उस टाइम पे जितने भी MBA इंस्टीट्यूट थे उसमें I had a name. I was a visiting freelancer professor with subjects like marketing and strategy. That's my forte. And that's how I started my career after 10 years of just being a homemaker. So 10 saal ghar-grihasthi sambhali, padhai kiya, aur phir uske baad career field mein enter kiya as a freelancer visiting professor in various MBA institutes. Kuch time wo kiya, phir kuch laga ki kuch administration bhi dekhna chahiye. Khali padhana is just one side. So go ahead. Then I joined ICG, IS University. I'm now, till date, I'm with associated with ICG as associate professor and head of the department for advertising and brand management. वहाँ का management का पूरा department मेरा ही set किया हुआ है. क्योंकि जब मैंने join किया था तब हमारा जो management होता था course BBA was just a part of commerce. And when I joined, I became head of the department and I created what not lot of every year I launched a new program. Humne event management launch kiya, humne retail management launch kiya, humne PhD launch ki, MBA, MBA retail management, MBA finance, you name it, but every year there was a new program that was being launched under when I was taking care of management programs. Education chal raha tha but abhi entrepreneurial pursuit baki thi, to education field mein karte karte hi saath mein business start kiya. बिजनेस स्टार्ट करते करते कुछ ऐसा लगने लगा कि बिजनेस भी हो गया, एजुकेशन भी हो गई, अभी भी मंजिल बाकी है, कुछ और करने का मन है. देन आई कनेक्टेड विद वेरियस फोरम्स एंड आई एम वर्चुअली कनेक्टेड विद ऑल द वुमेन एसोसिएशंस एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जयपुर. आई एम वाइस प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ जयपुर गुरुकुल. आई एम जॉइंट सेक्रेटरी फॉर 40 वुमेन विंग. आई एम युवा क्लब कोऑर्डिनेटर फॉर CII, IWN एंड YI. And I have also been associated with FICCI as executive committee members. So, ये professional मैंने अपना spread किया. When I joined, obviously when you joined as a member, but gradually you scaled up and you actually had positions. जब आप इन positions पे काम कर रहे हो तो आप कहाँ, मतलब जिंदगी की अगर हम बात करते हैं तो जिंदगी सबसे पहले आप खुद के लिए जीते हैं, फिर आप फैमिली के लेवल पे जीते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, किड्स के लिए, हस्बैंड के लिए जीते हैं. लेकिन लाइफ का मीनिंगफुल लाइफ तभी होती है जब आप पब्लिक एट लार्ज के लिए काम करते हैं, जब आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं, व्हेन यू कंट्रीब्यूट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट. खुद के लिए जिए तो क्या जिए. तो यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स में आके हमारा सोशल इनिशिएटिव्स वाला फ्रंट ओपन हुआ, जहाँ पे we started contributing to the world at large. अगर मैं फिक्की की बात करूँ तो फिक्की के साथ जब हम एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहे तो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ देयर स्किलिंग. तो हमने बहुत सारी गर्ल्स को इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज कराए, हमने स्किलिंग में कैंडल मेकिंग सिखाया, दिया पेंटिंग सिखाया उनको. एंड आई टेल यू दीज गर्ल्स वर सो ब्राइट. हमने हर पर्पज वॉज दिस कि ये लोग जॉब रेडी हो जाएं किसी तरह से भी. जो भी लड़कियां हैं जो अंडर प्रिविलेज एरिया से आती हैं वो कहीं ना कहीं जॉब मार्केट में ऑब्जर्व होने के लिए आ जाएं. तो देर आर ओनली टू थिंग्स जो प्रॉब्लम आती है वो इंडिया में, या तो आप एजुकेटेड होते हो बट आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होता, आपका इंग्लिश पे कमांड नहीं होता. तो इफ़ यू गिव देम यू नो गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, दीज गर्ल्स कैन डू ग्रेट थिंग्स. एंड दूसरा यह कि वो पढ़ी लिखी ही नहीं है, तो ऑब्वियसली पढ़ी लिखी नहीं है तो उनकी एबिलिटी पे फोकस किया जाए, उनको कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देके या स्किलिंग करके उनको कुछ ना कुछ बढ़ावा दिया जाए. अगर हम 40 की बात करते हैं तो 40 ने अभी कोविड टाइम्स में, पैंडेमिक टाइम्स में जितना काम 40 ने किया है, 40 उतना किसी ने नहीं किया. हम लोगों ने कोविड विडो सफरर्स के लिए कैंपेन चलाई, जिसमें ऐसे लोग जिनकी, ऐसी लेडीज जिनके पार्टनर्स नहीं रहे इस कोविड पीरियड में, उन्होंने हमें उनको हमने स्किलिंग देना शुरू करा. उनके प्रोडक्ट्स जो वो बनाते हैं उसके लिए हमने मार्केटिंग कैंपेन शुरू करी. और वैसे अगर बात करें तो 100 बेडेड हॉस्पिटल लगाया गया, एम्बुलेंसेज लगाई गई, मास्क के लिए कैंपेन लगाई गई, 5000 लोगों का वैक्सीनेशन फ्री ऑफ चार्ज किया गया. तो होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डिड अंडर द बैनर, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ 40. अगर हम देखें तो एवरीथिंग वॉज फ्री ऑफ चार्ज एंड पीपल वर हेल्प्ड लाइक एनीथिंग.
दिस टाइम हमने अभी 40 के साथ, लॉयंस क्लब के साथ और BNI के साथ हमने 10,000 पेड़ लगाने का भी मिशन स्टार्ट किया एंड वी गॉट दिस मिशन अकम्प्लिश्ड ऑन टाइम और ग्रीनर जयपुर एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्ट्रैटेजीज के लिए भी हमने काम किया। ये सारी चीज़ें हो गई तो बहुत सारे तीन फ्रंट्स मोटा मोटा दिख रहे हैं कि एक अकेडमिक्स जो कंटिन्यूड है, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप जो चल रहा है और तीसरा सोशल इनिशिएटिव्स जो अलग अलग बैनर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम UII की युवा क्लब चैप्टर की बात करें तो युवा के साथ, जब हम युवा क्लब के साथ काम कर रहे हैं तो हम यंग स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को इनकल्केट करने के लिए मैंने बहुत काम किया। हमारे कैंपस में सबसे पहले जो इंक्यूबेशन सेंटर होता है या जिसको हम कहते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसमें यंग गर्ल्स को जो अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहती थी उनके लिए हमने बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया। वी कोलैबोरेटेड विद MSME फॉर ऑल दोज इनिशिएटिव्स। ग्लैमर वर्ल्ड से मेरा वैसे कोई जुड़ा नहीं है, बट वी विल से दैट यू नो देयर इज अ ग्लैमर क्वेश्चन टू माय पर्सोना, सो आई एम कनेक्टेड टू लॉट ऑफ पेजेंट्स एंड लॉट ऑफ मॉडल हंस ऑल्सो। आई एम ग्रूमिंग एक्सपर्ट विद, बिकॉज आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, आई ऑल्सो डू इम्पार्ट ट्रेनिंग्स ऑफ लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, तो वो भी एक फ्रंट है मेरा जिसमें मैं काम करती हूँ। तो आई एम कनेक्टेड, आई एम पेट्रन ऑफ विनस मिस एंड मिसेज इंडिया पेजेंट, उसकी मैं पेट्रन हूँ, और MMT मॉडल की मैं ग्रूमिंग एक्सपर्ट हूँ। पिस्टीन एथनिक के साथ भी मैंने सेशंस लिए हैं, ग्रूमिंग एक्सपर्ट हूँ। तो ऐसे ये छोटे मोटे एसोसिएशंस ग्लैमर वर्ल्ड के साथ भी मेरे जड़ते रहते हैं, तो दैट्स अनदर फेसेट ऑफ माई लाइफ। बहुत कुछ करते हैं, जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आपकी ये जर्नी है, तो आप अगर आप देखते कि वॉट यू एक्चुअली पजेस, वॉट दैट समथिंग वॉट यू रियली डू हैव इन यू दैट कीप्स यू गोइंग। तो फर्स्ट थिंग आई थिंक हमेशा बोलते हैं कि देर आर 3 Ds, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। तो ये 3 Ds बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यू हैव टू बी डिटर्मिन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव टू बी हैविंग दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन। डिसिप्लिन ऑब्वियसली जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, और कमिटमेंट, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक डी मैं और ऐड कर देती हूँ, ड्रीम। इट्स ऑफन सेड दैट दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। जिंदगी में जो सबसे ज़्यादा बड़ा अपने ड्रीम्स पे ही क्यों उसको क्यों लिमिट करना है, तो अगर बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखते हैं तो बड़ा कुछ अचीव करते हैं, और सपने देखोगे तो कुछ अचीव करोगे। सो विजुअलाइजेशन, आई डू बिलीव इन विजुअलाइजेशन, आई डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आई बिलीव कि अगर आप सोचते हो कुछ तो आप उसको पा सकते हो। और मेरी कोर वैल्यूज़ होती हैं, हर इंडिविजुअल की कुछ कोर वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोर वैल्यूज़ लर्निंग एंड एक्सेलेंस है। ता ज़िंदगी कम पड़ती है कुछ नया सीखने के लिए, तो कुछ ना कुछ हर रोज़ नया सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, एंड जो भी करें, थोड़ा सा भी करें, तो उसमें एक्सेलेंस लाएँ। एक्सेलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिव होना इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में, ओनली देन यू लीड टू सक्सेस। और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अगर मैं बात करती हूँ तो मैं ASK से स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी। दैट ASK इज़ एन एक्रोनिम विच स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, राइट एटीट्यूड है, तो डेफिनेटली यू विल गेट द राइट काइंड ऑफ नॉलेज, एंड इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज यू विल डेफिनेटली हैव द राइट काइंड ऑफ एबिलिटीज और स्किल्स टू परफॉर्म वट एवर यू वॉन्ट टू। ये सब करते करते एक वर्ड मैंने इसमें और ऐड कर दिया, H। तो ये हो गया कैश, मतलब अब हमने एक एच वर्ड और ऐड कर दिया आज के टाइम पे। तो जो ASK था, आस्क था, अब वो कैश हो गया, कैश करो। हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आपकी अच्छी हैबिट्स होती हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिट्स आई ऑलवेज रेकमेंड everyone to read this book by Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. If you read this book, you adhere, you would definitely be successful in your life. Success aapke kadam chumegi agar aap cash karoge zindagi ko. So that's how it is. Journey hai, life ki journey hai, manzil abhi baki hai. इस पीरियड में देखूं तो बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे फेलिसिटेशन से मुझे नवाजा गया, क्योंकि अलग अलग फील्ड्स थे। सबसे पहले मेरे खुद के इंस्टीट्यूट ने, IIS यूनिवर्सिटी ने शायद एक ही बार अवार्ड दिया होगा स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूशन के लिए किसी को, तो वो मुझे मिला। आई हैव दिस प्रिविलेज ऑफ गेटिंग दिस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन फ्रॉम माय ओन इंस्टीट्यूट।
देन आई गॉट दिस अवार्ड फ्रॉम वुमेन्स अचीवर अवार्ड मुझे आर्या कॉलेज ने दिया. फिर मुझे दैनिक भास्कर का लेजेंड अवार्ड मिला है और बहुत सारे सावित्री बाई फुले अवार्ड है एजुकेशन के लिए. आई बीन फीचर्ड फॉर 15 लीडर्स फॉर चेंज फॉर टू कंजेकटिव ईयर्स 2020 एंड 2021. आई एम ऑल्सो वन ऑफ द 10 मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ राजस्थान. माय बायोग्राफी हैज़ बीन फीचर्ड इन द गोल्डन बुक ऑफ अर्थ विच फीचर्स 100 इंस्पायरिंग पीपल इन इंडिया. एंड देर आर 20-30 डिफरेंट अवार्ड्स. पेंडेमिक में जो काम किया उसके लिए कोरोना वॉरियर अवार्ड मिला मुझे. नारायणी सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया. फिर मुझे नारित्व अवार्ड मिला अभी बींग यू नो फॉर माई सोशल इनिशिएटिव्स. अभी पहले एजुकेशन में मिलते थे, फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मिलते थे, अभी सोशल इनिशिएटिव्स के लिए मिलते हैं. तो ये जर्नी ऐसे चल रही है. आई डोंट नो व्हाट्स इन स्टोर फॉर मी इन फ्यूचर. जब एक वुमेन एक महिला अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है तो उसकी क्या होता है कि इंडिया का एक सिस्टम है कि बच्चे तो आपको संभालना ही है, घर तो आपको संभालना ही है, यू हैव टू डू दिस 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 नथिंग बियॉन्ड. इफ यू हैव दैट पैशन दैट डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग बियॉन्ड ओनली ये कैन यू डू, अदरवाइज टाइम ही कहाँ मिलता है. ये काम करना है, आई हैव टू रेज माई किड्स, आई हैव टू डू दिस, यू हैव एक्सक्यूजेस. तो फर्स्ट थिंग यू शुड बी पैशनेट एंड ऑब्वियसली फैमिली का रोल आई वुड नॉट डिनाई. ऐसा बोलते हैं ना कि हमेशा लड़कियों को अडाप्ट करना पड़ता है. अडेप्टिबिलिटी का जो कोशेंट होता है, अडेप्टिबिलिटी कोशेंट, वो वुमेन में होना चाहिए, उसको ससुराल में जाके एडजस्ट करना है. बट नो, योर फैमिली इज़ ऑल्सो अडाप्ट. ऐसा नहीं है, आपकी फैमिलीज भी आपके साथ अडाप्ट करती हैं. आप कुछ करने की कोशिश तो कीजिए. अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो सारी, वो बोलते हैं ना कि अगर आप चाहेंगे तो सारी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है. तो वो अपने आप से चीज़ें होती हैं. माई फैमिली kind of is my biggest support. Obviously, a woman cannot grow when she doesn't have a support system. Woman needs to be supported by the family, by the society at large. Only then she can grow. First thing, very, very important. And जज्बे आग तो अंदर चाहिए, है ना. और उसके बाद कुछ करने का जज्बा रखते हैं, challenges आते हैं. नींद क्या होती है, work life balance कहाँ होता है, नहीं होता है. Work life balance नहीं होता है. अगर आपको कुछ करना है तो आप 4 घंटा सो के भी करेंगे, क्योंकि आप आधी रात में भी करेंगे. मैं इतने जुनून से जीती हूँ शायद कि अभी जैसे बीच में मेरे को बहुत पैशनेट हो गई मैं, अभी वो वाला भी फ्रंट मैंने डिस्कस नहीं किया. बिकॉज आई हैव दिस फ्लेयर ऑफ रीडिंग अ लॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड फेस रीडिंग. सो आई डू अ लॉट ऑफ सच थिंग्स. मुझे फिर पूरे रात में भी अगर नहीं सोना है तो मैं रात को बैठ, आई एम अ गुड एस्ट्रोलॉजर, माई प्रिडिक्शंस आर रियली गुड. When my girls, they come say, मेरे बॉयफ्रेंड से शादी होगी नहीं होगी, तो आई एग्जैक्टली से ओके दिस डेट दिस गाय यू विल गेट मैरिड एंड शी गेट्स मैरिड. सो गुड बट नॉट प्रोफेशनल, बट इट्स जस्ट माई हॉबी दैट. तो जब आप अपनी हॉबी के लिए भी टाइम निकालते हो, अपने काम के लिए भी टाइम निकालते हो, एंड यू पार्टी लॉट, यू नो दैट डे टाइम आई एम वर्किंग, आई वर्क हार्ड एंड आई पार्टी हार्डर, सो एवरी नाइट आई एम आउट. सो टाइम कहाँ है ज़िंदगी में, वही 24 घंटे हैं, बट उसमें से आप निकालते हो. क्यों? क्योंकि आप पैशनेट हो. जो भी होता है वो जुनून से होता है. अगर आपके पास जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. द थिंग इज मंजिल अभी बाकी है. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से.